दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैथ ट्रिक्स में। अपने आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। कोई संख्या आपको दी होगी, उसमें क्या पूछा जा सकता है, कितने उसमें अभाज्य गुणनखंड है, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स आर इन दी नंबर, यानी उस संख्या में कितने अभाज्य गुणनखंड है ये पूछा जा सकता है, कितने विभिन्न अभाज्य गुणनखंड है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, कितने उसमें टोटल फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंड है ये पूछा जा सकता है, कितने उसमें विषम गुणनखंड है या कितने उसमें सम गुणनखंड है ये पूछा जा सकता है। कोई संख्या दी है आपको इन एनी नंबर 60 यानी कोई संख्या दी है 60, आपसे ये पूछा गया है उस 60 में कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड है, कितने उसमें डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स यानी अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हैं, उसमें टोटल कितने गुणनखंड हैं, कितने उसमें विषम गुणनखंड हैं और कितने उसमें सम गुणनखंड हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस दी गई संख्या के गुणनखंड करेंगे, 2 से भागा जाएगा इसको 30 बार, फिर 2 से भाग करेंगे 30 को 15 बार भागा जाएगा, उसके बाद 3 से भाग करेंगे 5 बार, फिर 5 से भाग करेंगे 1 बार। तो 60 को तुम लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको a की घात p गुणा b की घात q गुणा c की घात r के रूप में आपको लिखना है, a की घात p गुणा b की घात q, q का मान यहाँ 1 है, गुणा c की घात r, r का मान भी 1 है, इस रूप में लिख लिया। शॉर्ट ट्रिक आपकी जो है फॉर्मूला जो है हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स यानी कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है p प्लस q प्लस r यानी इनके जो घातांक हैं p प्लस q प्लस r, घातांक कितने इसका तो 2 है, प्लस q की जगह 1 है और r की जगह भी 1 है, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी इसमें 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 अभाज्य संख्याएं हैं चारों, ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। फिर आपको ये याद करना है कि हाउ मैनी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, अलग अलग तरह के कितने फैक्टर्स हैं उसमें, ए बी सी जितने भी पद हैं, ए बी सी कितने पद हैं उसमें 3 हैं, यदि और कोई गुणनखंड होता ए बी सी डी 4 पद हो जाते, 4 तरह के, तो ए बी सी डी जितने भी पद होते उतने ही उसके डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होते, तो यहाँ ए बी सी 3 हैं, तो 3 इसके डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं यानी अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हैं। एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये, 3 तरह के अभाज्य गुणनखंड हैं इसमें। ये भी पूछा जा सकता है हाउ मैनी टोटल फैक्टर्स, इसके टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 60 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। फॉर पहले तो हमने बताया कि गुणनखंड करके इनको ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर गुणा डी की घात एस, जो भी जितने पद होते इस रूप में लिख लीजिए। फिर टोटल फैक्टर्स फाइंड करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक हमारी है, पी प्लस 1 क्यू प्लस 1 आर प्लस 1 है, पी की जगह क्या है 2 यानी 2 प्लस 1, क्यू की जगह क्या है 1, तो क्यू प्लस 1 करना होता है यानी 1 प्लस 1, आर प्लस 1 करना होता है, आर की जगह क्या है 1 यानी 1 प्लस 1, तो ये जाके 2 प्लस 1 कितना 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी टोटल इसके 12 फैक्टर्स हैं 60 के। जानते हो क्या क्या फैक्टर्स हैं, 60 किस किस से कट सकता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, उसके बाद 10 के बाद 12 से कट सकता है, 15 से कट सकता है, 20 से कट सकता है, 30 से कट सकता है और 60 से कट सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल फैक्टर कितने हुए इसके 12। तो आपको ये टोटल फैक्टर गिनने की जरूरत नहीं है अगर आपने शॉर्ट ट्रिक हमारी याद कर ली है। टोटल प्राइम फैक्टर याद करने की शॉर्ट ट्रिक पी प्लस 1 क्यू प्लस 1 आर प्लस 1 है, जबकि गुणनखंड करके इसको ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर के रूप में लिखना और पी प्लस 1 गुणा क्यू प्लस 1 गुणा आर प्लस 1 से आप इसके टोटल फैक्टर्स याद कर सकते हो। अब अगर आपको ओड फैक्टर्स याद करने विषम, तो जो इसमें विषम आधार हैं, ये सम हो गया, ये विषम है, ये विषम है, जो विषम आधार है उनके घातांकों में एक एक जोड़ना है, इसका घातांक कितना है 1 है, उसमें भी 1 जोड़ लीजिए गुणा, फिर ये विषम पद है इसका घातांक कितना, उसमें भी 1 जोड़ लीजिए, तो 2 गुणा 2 यानी क्या हो जाएंगे 4,
एक प्लस एक दो, एक प्लस एक दो, यानी चार विषम गुणनखंड हैं। कौन कौन से विषम गुणनखंड हैं? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार विषम गुणनखंड है, बाकी सब संख्याएं सम हैं। दो चार छः दस बारह बीस तीस साठ। विषम गुणनखंड याद करने की शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है? जो भी विषम आधार दे रखे उनके घातांकों में एक एक जोड़ते हुए गुणा कर लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये सारे गुणनखंड आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही गुणनखंड आप कर लीजिए। केवल इतना काम आपको करना है, इसी से आप गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, ये सब आप ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या बताया हमने कि अगर ओड फैक्टर्स याद करने, विषम गुणनखंड याद करने, तो जिनके आधार विषम है उनके घातांकों में एक एक जोड़ते हुए, जितने भी पद होते सब में एक एक जोड़ते हुए इनकी गुणा कर दीजिए। इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे और उनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा चार। इवन फैक्टर्स कितने आएंगे? जितने ओड फैक्टर हैं उनकी गुणा करनी, किसमें? इवन फैक्टर का जो घातांक है। इवन फैक्टर दो है इसमें, ये ओड है आधार, ये इवन है, इसकी जो पावर है उसमें सीधे गुणा करना है। तो चार दूना आठ, आठ हो जाएंगे इसमें इवन फैक्टर्स। ये बारह में से अगर हम चार ओड फैक्टर निकाल दें तो इवन फैक्टर्स बच जाएंगे बारह। इसी तरह आपको कोई और संख्या दी है, मान लिया इफ एनी नंबर 72, यानी कोई संख्या दी है बहत्तर, उसमें आपको यही सब चीजें याद करनी है। प्राइम फैक्टर कितने हैं इसमें, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड यानी कितने प्रकार के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं, सम कितने गुणनखंड हैं, वो विषम कितने गुणनखंड हैं और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दिए गए नंबर के फैक्टर्स करने हैं। दो से भाग करेंगे 36 बार, दो से भाग करेंगे 18 बार, फिर दो से भाग करेंगे 9 बार, अब तीन से भाग आ जाएगी 3 बार, फिर तीन से भाग होगी 1 बार। तो आपको इसको, आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, 1 2 3 गुणा 3 की घात 2, इसको a की घात p गुणा b की घात q गुणा, आगे भी पद होते c की घात r गुणा d की घात s, जितने भी होते उस रूप में आप इसको लिख सकते थे। a की घात p गुणा b की घात q के रूप में आप लिख सकते हो इसको। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स, कितने इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो उसके लिए p प्लस q प्लस r करना है, यानी घातांकों को प्लस करना है। 3 इसका घातांक है, 2 इसका घातांक है, r यहाँ नहीं है तो p प्लस q ही करेंगे, a की घात p, b की घात q, r c की घात r होता है, r नहीं है तो p प्लस q से ही आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 कितने, 5, यानी इसके 5 प्राइम फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टर हैं और पांचों प्राइम हैं, आप देख रहे होंगे। फिर पूछा हाउ मैनी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कितने a b c जितने भी पद होते हैं, a b यहाँ दो ही पद हैं तो कितने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसमें, डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो जाएंगे दो, यानी दो तरह के अलग अलग गुणनखंड है, एक तो ये अभाज्य गुणनखंड है, एक ये अभाज्य गुणनखंड है, दो तरह के अभाज्य गुणनखंड है इसमें। अगर ये पूछे इसमें कितने टोटल इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, तो फॉर्मूला उसके लिए होता है पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन, जितने भी पद होते हैं, यहाँ आर नहीं है तो पी प्लस वन गुणा क्यू प्लस वन से ही निकल जाएगा। पी का मान 3 है तो 3 प्लस 1, क्यू का मान 2 है तो 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 और 2 प्लस 1 3, 4 3 12, 72 के वही गुणनखंड आप लिख सकते हो। 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, इस तरह लिख सकते हो आप, उसी तरह इसके 12 गुणनखंड हो जाएंगे। अगर वो पूछे कि कितने इसके विषम गुणनखंड है, तो क्या करना है आपको, जिनका आधार विषम है उनके घातांकों में एक जोड़ दीजिए, यहाँ केवल एक ही पद है और उसी में एक जोड़ देना, और भी कोई पद होता, एक और विषम पद होता उसके घातांक में एक और जोड़ देते, इनकी गुणा करते, यानी इसमें 3 विषम गुणनखंड आएंगे। आप 72 के गुणनखंड कर सकते हो, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12 से, 18 से, 24 से, 36 से और 72 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने बताया इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 12। और ओड फैक्टर कितने इसके, 3, ओड में 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा, बाकी सब 2 4 6 8 12 18 24 36 ये आ जाएंगे इसके इवन फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स कितने आए, हमने बताया कि जो ओड बेस है, जिसका आधार ओड संख्या है, उसके घातांक में एक जोड़ लीजिए, और यदि एक से ज्यादा है, दूसरा और भी कोई पद है तो उसमें भी एक जोड़िए, तब इनकी गुणा करेंगे। फिर इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये जो आया
इसके गुणा कर देंगे किसमें, जो इवन फैक्टर का घातांक है, इवन बेस, इसका इवन बेस दो है, इसका घातांक कितना तीन, तो तीन थिया नौ, यानी नौ हो जाएंगे इसमें ये नौ, बाकी जो बच गए ये इसमें इवन फैक्टर से है। इसी तरह मान लिया आपको कोई और संख्या दिया, इफ एनी नंबर 5400, इसमें आपको हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स, कितने इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, कितने अलग अलग अभाज्य गुणनखंड, कितने कुल गुणनखंड, कितने विषम गुणनखंड और कितने सम गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको वही करना है, इसके गुणनखंड कर लीजिए, दो से भाग करेंगे 2700 बार कट जाएगा, दो से 1350, दो से 675, फिर तीन से भाग करेंगे, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, तीन बजे 15, फिर तीन से भाग करेंगे, तीन सत 21, तीन बजे 15, फिर तीन से भाग करेंगे, तीन दूनी छः, तीन बजे 15, फिर पाँच से भाग आ जाएगी, पाँच बजे 25, पाँच एकम पाँच। तो इसको आप लिख सकते हैं दो की घात तीन, तीन की घात तीन और पाँच की घात दो, दो की घात तीन गुणा तीन की घात तीन गुणा पाँच की घात दो, यानी ए की घात पी गुणा बी की घात क्यू गुणा सी की घात आर के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपके लिए वही है, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स, कितने इसके अभाज्य गुणनखंड है, पी प्लस क्यू प्लस आर, घातांकों का योगफल कर दीजिए, पी कितना है तीन, क्यू कितना है तीन, आर कितना है दो, तीन तीन छः दो आठ, इसके आठ अभाज्य गुणनखंड है, आप देख रहे होंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगर पूछे हाउ मैनी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, अलग अलग कितने तरह के ए बी सी जितने भी आधार हैं, ए बी सी तीन पद हैं इसमें, तो कितने हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स अलग अलग तरह के अभाज्य गुणनखंड, एक दो तीन, तीन तरह के हो गए, ए बी सी डी, चौथा भी पद होता तो चार तरह के डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कह सकते थे। इसके अगर टोटल फैक्टर पूछा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप केवल इतने गुणनखंड कर लिए जी, उसी से ज्ञात कर सकते हैं कि 5400 के कुल कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं, हाउ मैनी टोटल फैक्टर्स। फॉर्मूला उसके लिए है पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन, और पी की वैल्यू यहाँ तीन है तो तीन जमा एक, क्यू की वैल्यू भी तीन है तीन जमा एक, और आर की वैल्यू दो है तो दो जमा एक। पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन से इसके टोटल फैक्टर्स कर सकते हैं, तीन और एक चार गुणा चार गुणा तीन, चार चौक सोलह, सोलह तीन अड़तालीस, बहत्तर सौ, ये 5400 एक ऐसी संख्या है जो बहुत बड़ी है, उसके सारे गुणनखंड अगर आप लिखोगे काफ़ी समय लग जाएगा, और उसके टोटल फैक्टर्स अगर आपको फाइंड करने हैं फॉर्मूला ये यूज़ करोगे आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, 5400 के 48 गुणनखंड हो जाएंगे। अगर आपको ज्ञात करना है ओड फैक्टर्स, कितने इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिनका बेस ओड है, ये इवन है ये दोनों ओड है, उनकी पावर में एक एक जोड़ते हुए गुणा कर लीजिए, इसकी पावर तीन है उसमें एक जोड़ लेंगे, इसकी पावर दो है उसमें एक जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तीन प्लस एक चार, दो प्लस एक तीन, चार तीन बारह, तो बारह हो जाएंगे इसके अब ओड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंड, और सम कितने रह जाएंगे, या तो कुल गुणनखंड में से सम गुणनखंड घटा दो इससे बच जाएंगे, अड़तालीस गुणनखंड है बारह विषम गुणनखंड है तो सम बच जाएंगे 36, या दूसरा तरीका इसका ये बताया था, जितने ये आए उसके गुणा कर दो इवन बेस का जो पावर होता है, इवन बेस का जो पावर होता है, इवन बेस यहाँ 2 है उसकी पावर 3 होगी, उसमें गुणा करेंगे भारतीय 36, इस तरह से आप फैक्टर्स ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करने वाला हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।